से विभिन्न रफ्तार हमला या 6 नवंबर को हमारा जो है 5th रेजिंग डे के तहत ये हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स का आज क्लोजिंग था। इसमें हम लोगों ने 8 जोन्स में पूरे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जोन्स में बांटा था। उसके बाद 31 अक्टूबर से लेके और आज हमारा 6 नवंबर तक हमारे लीग मैचेस हुए, जिसमें हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है जो भी टीमें थीं उसके फाइनल्स हुए, उसके लीग मैचेस हुए। आज हमारे फाइनल मैच में यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए और मेयर साहब यहाँ पे आके उन्होंने प्रोग्राम को जो है फैसिलेट किया। और ये यहाँ पे हमारा आज फाइनल है फुटबॉल का मैच और 100 मीटर का रेस आज हुआ है यहाँ पे, जो कि फाइनल होगा। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर बाबे फेलिक्स साहब जो उनको वितरण करेंगे और हमारे डीजी सतीश गोलचा साहब अब पुरस्कार को वितरण करेंगे। जी सर, स्पोर्ट्स रखने का क्या पीछे वजह रहता है सर? ये हम लोगों का हमेशा एनुअल एक फीचर है जो रेजिंग डे के तहत, और चूंकि इस बार हमारा 50वां जो था रेजिंग डे था तो हम लोगों ने इसको बड़े जोर शोर से मनाया और बहुत हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे जो अरुणाचल स्पोर्ट्स बोर्ड है, हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी कि इसको एक बड़ा मेगा इवेंट बनाया जाए। और हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि इस आयोजन को एक बहुत अच्छे बड़े स्तर पे किया जाए, चूँकि ये 50वां जो है हमारा रेजिंग डे था। हर साल ऐसे स्पोर्ट एक्टिविटीज में हमें फीमेल टीम के तरफ से कम पार्टिसिपेट दिखने को मिलता है, ऐसा कोई खास वजह है? हम लोग फीमेल पार्टिसिपेशन भी करवाते हैं, जैसे इस बार हमने फर्स्ट टाइम अपने स्पोर्ट्स मीट में वॉलीबॉल का विमेन टीम को पार्टिसिपेट कराया और उसका फाइनल आज हुआ था। तो हम लोग धीरे धीरे विमेंस को भी टीम से पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जिससे कि विमेंस का भी जो है हमारी टीम्स बने अरुणाचल प्रदेश में और इसमें हम लोग अपना नाम और कर सकें। टोटल कितनी टीमें खेली हैं और कितने कौन कौन सी गेम खेली है? इसमें हम लोगों ने फुटबॉल, 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, इन मैच इन गेम्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शॉर्ट पुट भी हमारा गेम था। तो ये सब स्पोर्ट्स में सभी में हम लोगों का जो है 8 जोन्स में हमने बांटा था। वहाँ जोन्स के बाद उसके हमने यहाँ पे मैचेस कराए और फाइनल यहीं पे हुआ चिंपू ग्राउंड पे। कितनी टीमें खेली, पार्टिसिपेट किया है? इसमें टोटल हमारे 8 जोन्स थे, 8 जोन्स में हमारी टोटल टीमें करीब इसमें जो है सॉरी लास्ट ईयर जो आप लोगों का पार्टिसिपेट, देखिए हमारी टोटल 8 टीमें थी, 8 जोन्स हैं जो उसके फाइनलिस्ट थे और हर जोन्स में हमारे जो है किसी में 5 किसी में 6 टीमें थी। सर लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस है आप लोग का बहुत बढ़िया था, और फ्यूचर में आप लोग का जो परफॉर्मेंस अच्छा हो उसके लिए आप लोग कैसे? उसके लिए हम लोग अपने जो है प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देते हैं, हम उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जैसे ऑल इंडिया पुलिस जूडो मीट में भी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुणाचल पुलिस ने 3 इंडिविजुअल मेडल्स जीते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी टीम को पूरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको हर तरीके से सुविधाएँ दे के, उनको ट्रेनिंग दे के, और इसमें सरकार का और हमारे डीजी साहब का और हमारे जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड का है पूरा सपोर्ट है टीम के। सर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंट है क्या है इसका स्टेटस? उसका स्टेटस हमारा अच्छा है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। सर अगेन दोबारा सवाल फीमेल पे मैं आना चाहूंगी कि अभी आपने मेंशन किया कि 3 मेडलिस्ट भी लाए हैं और आगे और भी पाने का इच्छा रखते हैं, तो फीमेल पर थोड़ा किस तरह से ध्यान देंगे क्योंकि अभी तक हमने हमारी जो फीमेल्स हैं उसके लिए हमने स्पोर्ट्स बोर्ड में उनको रिक्रूट किया है। अभी हमने सारे लोगों को एक ट्रायल किया था जिसमें कि हमने 18 नए प्लेयर्स को अपने स्पोर्ट्स बोर्ड में ऐड किया, उसमें कुछ फीमेल्स भी हैं और हम लोग फीमेल्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग स्पोर्ट्स में जो भी आपको महारत है उसको आइए, हम आपके स्किल्स को डेवलप करेंगे जिससे कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर हम कम्पीट कर सकें। थैंक यू।